नमस्कार, नमस्कार। आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज का ये लाइव आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से आयोजित हो रहे बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा 2024 की विस्तृत जानकारी के लिए रखा गया है। हमारी टीम के पास, हमारी फैकल्टीज के पास लगातार पेरेंट्स और विद्यार्थियों के कॉल्स आते हैं। आरसीआई की ओर से जो परीक्षा आयोजित हो रही है इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। आज हमने इस लाइव में विचार किया है कि आपको क्यों नहीं, आपके द्वारा जो प्रश्न मालूम किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के ही माध्यम से हम आप तक इससे संबंधित विस्तृत जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए आप इस लाइव में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारियां आज हम आपको इस लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी जो आज टीम है उसमें हमारे मैथ्स की फैकल्टी महेश जी, प्रिंसिपल मैम नम्रता जी और फिजिक्स फैकल्टी हमारे रवि जी साथ में हैं। आज हम अलग अलग क्वेश्चंस जो है हमारे टीचर्स की ओर से किए जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस जो है उसका जवाब आप तक जो है हम पहुंचाएंगे। तो इसलिए आज का जो लाइव है उसमें मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले रवि जी, आप पेरेंट्स के आपके पास किस प्रकार के कॉल्स आते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपन इस लाइव में समस्त जानकारियां पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। सर, विद्यार्थियों द्वारा और उनके अभिभावकों द्वारा सबसे मेन जो क्वेश्चन किया गया है, बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा ये क्या है, इसके बारे में विद्यार्थी बड़े उत्सुक है जानने के लिए। तो बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विद्यार्थी। बिल्कुल, इस सत्र जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड या आरबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी इस सत्र जो एग्जाम देंगे, उन विद्यार्थियों का बोर्ड की परीक्षा से पहले परीक्षा का आकलन, उनकी तैयारी का आकलन, उन्होंने कितनी तैयारी की है, इसको जांचने का एक सुनहरा अवसर आरसीआई ग्रुप की तरफ से हमने सर तैयार किया है। इसमें जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं। ये जो परीक्षा की ये है क्या, ये बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा हमने आयोजित इसलिए करवाई है कि लगभग इस समय तक, यानी जनवरी एंड तक, लगभग विद्यार्थियों की कोर्स जो है वो हो चुके होते हैं, उनका रिवीजन भी लगभग हो चुका होता है, और विद्यार्थी एक एग्जाम को लेकर एक फोबिया रहता है कि वो परीक्षा किस प्रकार से देंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने ये जो परीक्षा यहाँ आरसी एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से जो आयोजित करवा रहे हैं, इसमें परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उन प्रश्नों के आधार पर कौन कौन से टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन निकल सकते हैं, उसको ही विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस परीक्षा को हमने आयोजित करवाने का विचार किया है। इसलिए परीक्षा से पहले परीक्षा का मतलब है बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस आपके पास पहुंचे, बोर्ड परीक्षा से पहले आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म हो सके, ऐसी परीक्षा जिसमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के माध्यम से विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे, ये परीक्षा जो है उसी को हमने बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा का नाम दिया है। सर, एक एक क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जाता है कि ये जो परीक्षा जो हो रही है बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा, इसका कोर्स क्या रहेगा सर? हाँ, बिल्कुल सही बताया सर। देखो, मेन जो सिलेबस जो होता है या मेन जो बुक्स होती हैं, जो मेन जो किताबें होती हैं, मेन जो सब्जेक्ट होता है, वो विद्यार्थियों के लिए अपन मानते हैं कि 10th क्लास में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये मेन सब्जेक्ट जो होते हैं जी सर, इन मेन सब्जेक्ट्स जो है इसी को हमने इसमें शामिल किया है ताकि विद्यार्थी जो है, क्योंकि बच्चा जो है कोई भी स्टूडेंट से मैथ्स या साइंस से सबसे ज्यादा उसको डर लगता है, इसलिए इस एग्जाम में 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं या आरबीएसई बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि उनका बोथ लैंग्वेज में पेपर आएगा, उन विद्यार्थियों के लिए जो 10th क्लास में इस साल पढ़ रहे हैं उनके लिए मैथ्स के 30%, साइंस के 30% और इंग्लिश के जो है उसके 40% का सिलेबस डिसाइड किया गया। ये जो सिलेबस होगा ये कंप्लीट उनकी एनसीईआरटी बुक से होगा, जो एनसीईआरटी की बुक उनके टीचर्स ने उनको पढ़ाई है, जो उन्होंने तैयारी की है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी के अकॉर्डिंग सेम उसी बुक से उनके क्वेश्चंस आने हैं। इसी प्रकार क्लास 12th साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इसको चूज किया है, उनका भी जो सिलेबस होगा वो भी कंप्लीट उन्हीं की एनसीईआरटी जो बुक, जिसको बच्चों ने किसी भी स्कूल में पूरे राजस्थान में या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, सब बच्चों ने जहाँ से भी तैयारी उन्होंने की है वो सेम सिलेबस हमने एनसीईआरटी बेस रखा है।
सर एक क्वेश्चन मेरे पास और आया, कई बच्चों का कॉल आया जी, और वो ये पूछते हैं कि ये परीक्षा आरसीआई के मेन कैंपस बांसुर में आयोजित होगी या और भी किस किस जगह आयोजित होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास में पेरेंट्स ने भी जो किया है, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम जब हम करवाते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बीच बीच में आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बांसुर की ओर से इस प्रकार के कम्पिटिशन लगातार हम करवाते रहते हैं, और अक्सर जो है ऐसे एग्जाम जो है आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बांसुर के मेन कैंपस में करवाए गए हैं। एक बार क्या हुआ सर, जैसे 2-3 साल पहले इसी प्रकार के जब एग्जाम करवाया गया तो उसमें लगभग 10,000 से अधिक की स्ट्रेंथ जो है वो विद्यार्थियों की आई, तो उनमें असुविधाएं विद्यार्थियों को भी हुई, उनके पेरेंट्स को भी हुई, क्योंकि दूर दराज से विद्यार्थी जो है यहां पहुंचे। इसलिए इस बार इसमें विचार किया गया है कि तहसील स्तर पर ही इस एग्जाम को करवाया जाए ताकि विद्यार्थियों को यहां तक पहुंचने में, आरसीआई कैंपस तक पहुंचने में असुविधा नहीं हो। इसलिए इसको इस बार 4 तहसीलों में हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें बांसुर में आरसीआई कैंपस जो है इसी में ऑर्गेनाइज होगा। बांसुर क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार कोटपुतली क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कोटपुतली में ही हमने इस बार सेंटर बढ़ाया, सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटपुतली, उस स्कूल में इसका सेंटर रहेगा, तो कोटपुतली के आसपास के सभी विद्यार्थी अपनी एग्जाम वहां दे सकते हैं। इसी प्रकार नारायणपुर क्षेत्र जो है, नारायणपुर तहसील के लिए नारायणपुर में सेंटर बनाया गया है। ये सेंटर SHM गर्ल्स कॉलेज जो कि अलवर रोड पर है, इस कॉलेज को इसका एग्जाम का सेंटर बनाया गया है, उस क्षेत्र के विद्यार्थी वहीं पर एग्जाम दे सकते हैं। इसी प्रकार इसमें मुंडावर तहसील को भी शामिल किया गया है, मुंडावर तहसील के जो विद्यार्थी उनका सेंटर उसी क्षेत्र में MS गर्ल्स कॉलेज, जिसे पुराना कृष्णा कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, उसको इसके लिए सेंटर बनाया गया है। इसलिए रवि जी इस बार 4 तहसीलों में हम इस एग्जाम को बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा जो है इसको आयोजित करवा रहे, और चारों ही जो तहसील है उनमें वहीं पर उन विद्यार्थियों के लिए सेंटर्स रखे गए ताकि विद्यार्थियों को अपने नजदीक ही सेंटर मिल सके और वो इजी वे में वहां पर पहुंच करके और अपनी तैयारी जो है उसको जांच सके। सर आपने अभी तक बताया बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा में RBSC CBSE बोर्ड के लिए टोटल NCERT बेस्ड है, ठीक है, मैथ्स एंड विज्ञान का पेपर होगा, बट अभी भी बच्चों में कुछ क्वारीज हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव, उसका पैटर्न क्या है वो बताइए थोड़ा सा। देखो वैसे बोर्ड जो परीक्षा होती है उसमें बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों प्रकार की परीक्षा, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस विद्यार्थियों के लिए आते हैं, लेकिन चूंकि विद्यार्थी जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, और इस समय चाहे वो CBSE बोर्ड का पेपर हो या RBSE बोर्ड का पेपर हो, दोनों ही बोर्ड्स जो है उन बोर्ड में आजकल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। आगे अगर विद्यार्थी जाएगा तो निश्चित है उसको कंपटीशन जो है उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही MCQ जो है उसके बेस पर ही उसको कंपटीशन देना है। तो इसलिए जब विद्यार्थियों का MCQ के क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है और उसमें बच्चा वहीं से गलती करता है जिसे डायरेक्ट उसका नंबर कटता है, तो इसलिए हमने इस पैटर्न जो है इसमें इस बोर्ड परीक्षा से पहले में विचार किया है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ जो है पैटर्न रहेगा, OMR शीट के माध्यम से विद्यार्थी जो है इस पेपर को देगा। इसके लिए विद्यार्थी जो है वो सेंटर के ऊपर 10 बजे जैसे आएगा तो 1 घंटे पहले उसको पहुंचना है ताकि उसको OMR शीट जो है उसके लिए हम पहले से ही बता सकें और आगे के लिए भी वो कंपटीशन दें तो उसमें विद्यार्थी जो है उसको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। इसलिए अभी से हमने उसके लिए विचार किया कि ये पेपर जो है इसका पैटर्न MCQ का रहेगा। सर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स द्वारा और भी पूछा जाता है सर, जैसे इस एग्जाम को लेके जो छात्र हैं वो बहुत उत्सुक हैं, लेकिन उनका ये एक क्वेश्चन रहता है कि इसके फॉर्म जो भरने की जो प्रक्रिया है या फॉर्म प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी सर, वो थोड़ा सा। देखिए सर इसमें फॉरम के लिए बच्चों की और अभिभावकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों ही मोड से इसमें फॉरम भरने की प्रक्रिया जो है इसको शुरू किया गया है। इसमें पहला ऑफलाइन मोड भी है और दूसरा जो है इसका ऑनलाइन मोड भी है। पहले मैं ऑनलाइन जो फॉरम विद्यार्थी भरना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र के हों, जैसे 4 तहसीलों की मैंने चर्चा की है, नारायणपुर क्षेत्र, मुंडावर क्षेत्र, कोटपुतली और बांसुर, कहीं का भी विद्यार्थी हो सकता है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप घर से बैठ करके वहीं से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए RCI EduHub बांसुर के फेसबुक पेज पर जाएं, वहां इससे रिलेटेड लिंक आपको मिलेगा, आप उस लिंक से फॉर्म जो है उस लिंक को ओपन करें उससे फॉर्म भर सकते हैं। या
विद्यार्थियों के लिए एक हमने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाया है, उस मोबाइल नंबर से भी विद्यार्थी लिंक प्राप्त कर सकता है। उस मोबाइल नंबर जो है वो है 84494640, एक नंबर है 84494640। इस मोबाइल नंबर को स्टूडेंट्स जो है अपने मोबाइल में सेव कर लें, वो RCI लिख करके जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे उनके पास इस फॉर्म से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल पर पहुंच जाएंगी और इसके फॉर्म से रिलेटेड लिंक भी उसके पास पहुंच जाएगा। वो इस लिंक को कंप्लीट करें और सबमिट कर दें, ऑनलाइन फॉर्म जो है उसका फिर सबमिट हो जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से स्टूडेंट्स वो फॉर्म भरेंगे उसी मोबाइल नंबर पर वापस उसके पास ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा, उसका प्रिंट आउट विद्यार्थी निकाल करके एग्जाम सेंटर पर ला सकता है। तो पहला प्रोसेस ऑनलाइन होगा, दूसरा प्रोसेस ऑफलाइन का किया है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो मुंडाउर क्षेत्र है, चाहे वो बानसूर क्षेत्र है, या फिर वो कोटपुतली है, या फिर नारायणपुर क्षेत्र, सभी जगह हमने विद्यार्थियों की जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन नहीं है, उन विद्यार्थियों की व्यवस्थाओं के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सेंटर्स भी बनाए हैं। बानसूर में RCI सिटी ऑफिस जो हरसौरा चौराहे पर है वहां से विद्यार्थी ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या RCI के मेन कैंपस में फाउंडेशन ब्लॉक नीट IIT ब्लॉक जो है उसमें पहुंचे और वहां से ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मुंडावर क्षेत्र, कोटपुतली और इनमें भी हमने कुछ सेंटर्स बनाए हैं। मुंडावर क्षेत्र में 2 सेंटर हैं जहां से आप ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य कंप्यूटर सेंटर एंड लाइब्रेरी सियाखो चौराहे, ये मुंडावर में है, यहां से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप सपना मेडिकल पेप्सी एजेंसी के पास में है हरसौरली रोड, यहां से आप मुंडावर में ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नारायणपुर में भी 2 सेंटर्स बनाए गए जहां से आपको ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त करने, जगदम्बा ई मित्र, ये पेट्रोल पंप के जगदम्बा ई मित्र जो पुरुषोत्तम तिराया जो अलवर रोड, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कल्पना कंप्यूटर सेंटर पेट्रोल पंप के सामने है नारायणपुर में, यहां से आप ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कोटपुतली जो है उसमें RCI कोचिंग जो सरदार स्कूल के सामने है वहां से आप ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा यदि आप ऑनलाइन भर सकते हैं तो जितना हो सके आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, क्योंकि आपको उसी पर कंप्लीट व्यवस्थाएं जो है वहां मिल जाएंगी, वरना अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमने जो सेंटर्स बताए इसके ऊपर पहुंच करके वो ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सर आपने बताया 4 सेंटर्स हैं, एग्जाम भरने की प्रक्रिया बताई आपने, एग्जाम पैटर्न बताया, अभी आपने बताया कि आपने एग्जाम कराया था, 10,000 बच्चों ने आंकड़ा गया था पार्टिसिपेट किए थे, यदि आंकड़ा बढ़ता है तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है तो बच्चों को असुविधा ना हो, इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी? बिल्कुल ठीक कहा मैडम, जब हमने यहाँ पहले, चूंकि मैडम मध्य प्रदेश से हैं और जब हमने पहले एग्जाम करवाया उस समय मैडम नहीं थे, मैडम मैं आपकी जानकारी के लिए और पेरेंट्स की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब हमने पहले एक बार एग्जाम करवाया एक जगह, उस समय 10,000 की स्ट्रेंथ को एक जगह हमने सिटिंग प्लान किया, उसके बाद में एक बार हमने लगभग 4 या 5 तहसीलों में एग्जाम करवाया, एक साथ सभी जगह सेम टाइम पर हमने पेपर शुरू करवाया और हमने टीम जो है उस पूरी टीम को इतना एक्टिव किया कि उस पूरी टीम ने एक दूसरे का साथ दे करके बहुत अच्छे से एग्जाम करवाया। मैं मेरी टीम जो है उसको थैंक्स कहना चाहूंगा कि काम चाहे कितना ही बड़ा हो उसको बड़े सहर्ष जो है सब टीम वर्क जो है उसको करके और इस प्रकार का जो टास्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं। इस बार भी 4 सेंटर जो है उनके ऊपर 4 जगह एग्जाम जो शुरू होना है, जैसे कोटपुतली, नारायणपुर, मुंडावर और बानसू, 4 जगह 4 सेंटर्स रहेंगे, हमारी जो टीम है चारों सेंटर्स के ऊपर रहेगी। इस सभी टीम जो है मैडम, इन सभी टीम्स जो है इनका टाइम जो है पेपर शुरू करने का वो सेम एक टाइम होगा, क्योंकि पेपर जो है सभी जगह सेम पैटर्न और सेम पेपर होना है, इसलिए इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं अकेला कुछ नहीं करता हूं, लेकिन पूरी जो हमारी टीम है, अपनी जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम के माध्यम से इस टास्क को हम बड़े इजी वे में कर लेते हैं। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं यानी असुविधाएं आज तक हुई नहीं है और आगे भी हम विश्वास दिलवाते हैं कि किसी पेरेंट्स को और किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। सर मैंने एक क्वेश्चन और है सर मेरा, कि मैंने 8 से 9 साल सर सीकर और जयपुर में पढ़ाया है, उनके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है ऐसे एग्जाम्स को मैनेज करने के लिए, तो सर ये अपने RCI में ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल सर, स्ट्रेंथ चाहे कितनी हो, हमारे पास जो है टेक्निकल जो टीम है वो टेक्निकल टीम
अपने पास यहाँ काम करती है। पूरी टेक्निकल टीम के साथ साथ में पेपर जो सेटर्स जो टीम होती है वो अलग से इस पर काम करती है। इसके लिए अपने सेपरेट जो टीम लगा रखी है वो टीम अपना वर्क करती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे किसी भी बड़े शहर में कितना ही बड़ा एग्जाम वो ऑर्गेनाइज करवाते हों, उससे अच्छी व्यवस्थाएं और उनसे भी अच्छी फैसिलिटीज के साथ में अपने यहाँ एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। क्योंकि RCI जो है आज से नहीं, क्योंकि RCI जो है टैलेंट सर्च के लिए, विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहता है। इसलिए पूरी टीम जो है वो इसमें एक्सपर्ट हो चुकी है, इस काम में एक्सपर्ट हो चुकी है। वो चाहे टेक्निकल टीम हो, चाहे वो अपने स्टाफ हो, चाहे नॉन टीचिंग टीम हो, चाहे अदर जो भी इसमें हेल्प जो टीम है, कंप्लीट जो टीम है वो इसमें इतने एक्सपर्ट हो चुकी है कि किसी भी बड़े शहर में हमें किसी को फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं। डायरेक्ट इस एग्जाम को अपनी जो टीम है वो एक एक टीम वर्क के रूप में जो करते हैं और इसको बड़ा इजी वे में इस एग्जाम को करवा देते हैं। सर आपने बता दिया, सब चीज बताई आपने, पैटर्न बताया आपने, ऑब्जेक्टिव बेस है। एक्चुअली भी आपने बताया, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत एक यूनिक एग्जाम है, बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा। इस एग्जाम का उद्देश्य क्या है, बच्चों को इसको क्या बेनिफिट मिलेगा उनके बोर्ड परीक्षा में? बिल्कुल ठीक कहा मैडम, ये आपके पास ही नहीं, हमारे पास में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा, इसके पीछे का जो टारगेट है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा। नंबर एक, विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के नाम से बड़ी हेजिटेशन रहती है, बहुत बड़ी घबराहट रहती है। परीक्षा से पहले परीक्षा जब वो दूसरे सेंटर्स पर देते हैं तो उनको, जब वो पहले बोर्ड परीक्षा में जाते हैं तो सेंटर उनका उनकी स्कूल की बजाय दूसरे स्कूल में आता है, उस वजह से उनको पहले से बहुत बड़ी बोर्ड की घबराहट रहती है। क्योंकि यहाँ भी जो एग्जाम होगा इसमें विद्यार्थी अपनी स्कूल को छोड़ करके दूसरे किसी सेंटर पर परीक्षा देने के लिए जाएगा, इसलिए उसकी पहली जो सबसे बड़ी उसको बेनिफिट मिलने वाला है कि बोर्ड परीक्षा में जो उसको हेजिटेशन होगी, जो घबराहट होगी, वो उससे पहले उसकी खत्म हो चुकी होगी, इसलिए उसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा, RCI शिक्षा ग्रुप बानसूर का एक जो टारगेट रहता है कि किसी भी प्रकार से प्रतिभाएं जो हैं उनको किस प्रकार से तलाशा जाए। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन किसी कारणवश उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और वो अपने टैलेंट जो है उसके आधार पर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। RCI एजुकेशन ग्रुप बानसूर इस प्रकार के एग्जाम से टैलेंट जो है उसको पहचानता है। अगर विद्यार्थी की किसी कारणवश आर्थिक स्थिति वीक है और वो पढ़ने का इच्छुक है तो हमारा एजुकेशन ग्रुप ऐसे विद्यार्थियों को 100% तक स्कॉलरशिप देकर और विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई करवाता है। चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करें, चाहे वो IIT की प्रिपरेशन करें, चाहे वो स्कूल स्तर पर +1 +2 नॉन फाउंडेशन बैच में पढ़े या अन्य किसी क्लासेज में पढ़े, तो इसके लिए विद्यार्थियों को हम एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार के एग्जाम्स करवाते हैं। इसके अलावा नंबर तीन, विद्यार्थी जो है वो इस प्रकार के एग्जाम्स देगा तो वह RCI एजुकेशन ग्रुप बानसूर के साथ साथ अन्य स्कूलों के साथ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जब करता है तो हमें भी, हमारे स्टूडेंट्स जो है उनकी तैयारी जो है उसको जांचने का एक अवसर हम लोगों को भी मिलता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की तैयारी और स्टूडेंट्स या और स्कूल के स्टूडेंट्स की तुलना में कितनी हो पाई है, इसलिए भी इस एग्जाम को हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सर मोस्टली क्वेश्चंस का तो आपने आंसर दे दिया, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों द्वारा कि परिणाम कब आएगा, आंसर प्रक्रिया क्या रहेगी, इससे संबंधित भी विद्यार्थियों को आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल, एग्जाम 4 फरवरी को होना है। 4 फरवरी को बेटा आप लोग जैसे परीक्षा देंगे उस परीक्षा के बाद में आप लोग RCI एजुकेशन ग्रुप बानसूर के फेसबुक पेज जो है उससे जुड़े रहें, क्योंकि प्रारंभ में जो रिजल्ट जो होगा वो सर पहले हम ऑनलाइन ही बच्चों को रिजल्ट दे देंगे। ऑफलाइन रिजल्ट, क्योंकि बच्चों का एग्जाम फिर नजदीक आ जाएगा, इसलिए पहला जो प्रोसेस हमने किया है वो प्रोसेस रहेगा कि विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म RCI एजुकेशन ग्रुप बानसूर के फेसबुक पेज और यूट्यूब जो चैनल्स हैं इनके ऊपर इसका रिजल्ट जो है वो 13 फरवरी को फेसबुक पेज के ऊपर इसके आंसर की जो है वो डाल दी जाएगी और इसका रिजल्ट जो है उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। बच्चा उससे मैच कर सकता है कि मैंने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने क्वेश्चन मेरे से गलत हो चुके हैं। इसके अलावा विद्यार्थी जो है इनके लिए ऑफलाइन जो रिजल्ट है, चूंकि इनके एग्जाम्स भी 15 फरवरी से इस बार बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे, तो जैसे इन बच्चों के एग्जाम्स फ्री हो जाएंगे, बच्चा अपने आप को एनालिसिस तो कर चुका होगा, उसके बाद में एग्जाम फ्री होने के बाद में हम विद्यार्थियों को ऑफलाइन कैंपस में बुलवाएंगे और उस दिन इनका डिस्प्ले जो है वो ऑफलाइन रिजल्ट किया जाएगा, उस दिन विद्यार्थी अपना ऑफलाइन भी रिजल्ट देख सकता है।
सर आपने बताया, अब आपने जैसे 4 सेंटर्स रखे हैं फॉर्म्स के एग्जाम कंडक्ट होने के, तो जब अब इन्हीं 4 सेंटरों में सम्मान समारोह होगा या कुछ और है, तो आप कुछ सम्मान समारोह कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में बताइए। विद्यार्थी 4 फरवरी को ये एग्जाम देंगे, 13 तारीख को आपको आंसर की जो है वो आरसीआई के फेसबुक पेज जो है उससे आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूंकि आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, इसलिए हमने इसके सम्मान समारोह का विचार किया है कि जैसे आप एग्जाम से फ्री हो जाएंगे, एग्जाम बोर्ड की परीक्षाएं दे करके आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में आपका जो सम्मान समारोह जो है वो आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर के मेन कैंपस में आयोजित किया जाएगा। उस दिन आपको इस कैंपस में पहुंचना है, उसके लिए आपके लिए अलग अलग प्रकार के इनाम जो है पुरस्कार रखे गए हैं, और उसके साथ में सर्टिफिकेट जो है उसके आधार पर आपको अलग अलग जो कोर्सेज है उसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये सम्मान समारोह आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर जो है उसके कैंपस में आयोजित होगा, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको आरसीआई के फेसबुक पेज के साथ साथ आपके पास बाकायदा कॉल आएगा कि किस डेट को इसका सम्मान समारोह आयोजित होगा, क्योंकि अभी जो आरबीएससी बोर्ड है उसका फाइनली जो टाइम टेबल है वो डला नहीं है। जैसे टाइम टेबल डल जाएगा उसके बाद में इसकी डेट फाइनल कर दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग इसका सम्मान समारोह विद्यार्थी जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको उनके पेरेंट्स के साथ में बुलवा करके उनका सम्मान जो है समारोह रखा जाएगा। आज का जो लाइव था, इस लाइव में मैं आप लोगों के जितने भी प्रसंस थे जो हमारी फैकल्टी के पास में आ रहे थे, उस प्रसंस के माध्यम से आपके पास हमने टोटल व्यवस्थाएं या किस प्रकार की प्रक्रिया रहेंगी वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप अधिक जानकारी के लिए आरसीआई के फेसबुक पेज जो है उसको बीच बीच में विजिट करते रहें, लगातार देखते रहें, जिससे इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप देख सकें, जान सकें। और इस मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा इसका हिस्सा आप भी बने, अपने हुनर अपने टैलेंट को जानने के लिए, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को जानने के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले इस परीक्षा जो है इसमें आप पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी को जांचें पहचानें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।